इतना बचता है नहीं है बराबर यहाँ पे हमारे हाय बोलो। सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, और आप सभी को दस शहरी आज है ना, आज दसवीं शहरी कर रहे हैं और आज सुबह देखो फटाफट अस्सलाम वालेकुम, नागिन जैसी लग रही हूँ, मैं भी ढसूंगी। तो आ जाइए गाइस दसवीं शहरी करने के लिए, और हम लोग दसवीं शहरी में आज क्या क्या बनाए आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए हमारे घर में ज्यादातर भाजी ही बनती है, भाजी दाल, क्योंकि भाई हमारे शौक भाजी वाले, हम लोग सिर्फ रोटी, रोटी मुझे घर की ज्यादा खाना पसंद है क्योंकि आई लाइक होम रोटी। ओके, तो मैं इसलिए बनाती हूँ। हाँ, और यहाँ पे मलाई भी पड़ी है, दूध भी रखा हुआ है, सब लेके रखे हैं, है कि नहीं। चलो खा लेते फटाफट, आ जाइए गाइस आप लोग भी दसवीं शहरी करने, ठीक है। और आप लोग के घर में क्या क्या बनाए बताना जरूर, भूलना नहीं, है कि नहीं। तो चलो, मैं तो जारी कुरान पढ़ूं। वाह वाह, देंगे ना, सो टाइम आएगा उसका भी, दे दो ना मेरा बच्चा, क्यों टेंशन ले रहे हो, दे दो ना। ओके पापा, दे दूंगा ना, देता हूँ देता हूँ। चलो, और शहरी का टाइम खत्म हो चुका है गाइस, है कि नहीं। और ये देखो 5:30 हो चुका है, तो मैं जा रहा हूँ। चलो मिलते हैं, मिलते हैं शायद डायरेक्ट जोहर में, है कि नहीं। चलो क्या हो रहा है, चेहरे पे नूर, अरे शेर बोलते हैं, तो बड़े जोर से तो हम लोग की नमाज हो चुकी है। यहाँ पे देखो समीर, वालेकुम सलाम, समीर बहुत मस्ती करता है जुम्मा के दिन, बहुत मस्ती कर रहे। अरे अभी पिछले डे इतना मस्ती कर रहा था। हाँ चलो, कहाँ नहीं कर रहे आप सब लोग, वालेकुम सलाम। ए भाई अयू फयू कहाँ जा रहे, आज हम लोग की टूर निकली है बहुत दिनों बाद, मारा पिछले साल आपको पता है। मेरा एक दोस्त है शहजाद, वो एक बार बोलता है कि मेरे को कि ताज्जुब की नमाज में एक लड़की नमाज पढ़ रही थी, ताज्जुब की नमाज में लड़की नमाज पढ़ रही थी, उसके सामने एक जिन्नात आके बैठ गया, वो डर के मारे हिल ही नहीं पा रही। मेरा दोस्त बोलता है कि वो डर के मारे हिल ही नहीं पा रही, बाद में जब समीर कारी बयान कर रहे थे आप लोग, क्या हो रहा है, हम लोग जल्दी मारा इसलिए से जा रहे हैं क्योंकि फजर की नमाज का जो वक्त था ना थोड़ा कम हो गया, कम हो गया। हाँ, इसीलिए हम जा रहे अभी गाइस मारा। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं कला विद्यालय, और अभी हम लोग बातें कर रहे हैं, कॉलेज है, सुबह शहरी में भूंगा बचता है नहीं है बराबर यहाँ पे हमारे यहाँ पे, कम्प्लेन आ जाते वजह से, बाकी दूसरे जगह तो क्या अनाउंसमेंट होता है, रमजान के टाइम में अपने यहाँ पे अजान नहीं होती, अनाउंसमेंट होता है ना तो इजी आसानी होती होता है, खाली मस्जिद का माइक चालू है, मस्जिद के बाहर का माइक बंद करके रखे, कम्प्लेन डाल देते हैं। पर पहले के नूर था, एक एक मिनट में इमाम साहब अनाउंसमेंट करते थे, टाइम हो गया है, बाकी है, खा लो पी लो, दो मिनट और बीच में नाथ भी पढ़ते थे सब लोग, बच्चे लोग जाके नाथ पढ़ते थे, सलाम पढ़ते थे, दो मिनट का के लिए नो तकलीफ। देखो गाइस किधर है सुबह, और सुबह का नजारा, सुबह हो गई, निकले थे अंधेरे में, सुबह हो चुकी है यहाँ पे, चलो मस्त दिख रहा है कि नहीं, क्या बोलते, अब यहाँ से निकलेगा सूरज, सलाम वालेकुम। तो गाइस नमाज हो चुकी है, नमाज बाद में आए थे वसीम, बच्चे वैसे मस्ती उस्ती कर रहे थे, खेले वेले, तो लोग जब चले गए, तो हमारा अभी चालू है पैकिंग, अभी हम जा रहे हैं डिलीवरी करने के लिए, पूरा रेडी सामान जो जो है रेडी हो चुका है, चलो देखो चालू है सब, हम लोग का पैकिंग चालू है, तो हम लोग फटाफट पैक करते हैं, चलो फटाफट पैक करके लेके जाना है, देना है, क्योंकि आज कितने सारे से 4 ऑर्डर है, वो सब देने हैं सबको, तो है कि नहीं। माशाल्लाह आप लोग की दुआ से, है कि नहीं, ऐसे सपोर्ट करते रहिए, और ऑर्डर्स आए लेकिन चीजें खत्म हो चुकी है। हाँ, ज्यादातर मखना ही लोग ले रहे हैं, मखना ही पसंद आ रहा है, तो अभी देखते हैं इंशाल्लाह आज हम लोग लेकर आएंगे। देखो पैकिंग चालू है इनकी, यस बिस्मिल्लाह बोल के शुरू कर दिए हम लोगों ने, बस आप लोग दुआ करो गाइस कि सब अच्छा हो, और है कि नहीं, अच्छा चले सब, क्या बोल रहे थे तुम, तो सब अच्छा चलेगा, तो सब अच्छा चलेगा, है कि नहीं, इंशाल्लाह हो गया ये पैकिंग पूरा, टेप लगा ना,
हाँ बढ़िया टेप, हाँ लगा दो एक, लगा दो। बिस्मिल्लाह, हमारा पहला कुरियर है ना, दिखाओ क्या बोलते हैं। चलो चलते हैं यहाँ पे पार्सल लेने के लिए। आके पास गाइस, हम लोग आ चुके हैं घर पे और हमने क्या लाए हैं, तुम खिचड़ा भी ला अंदर, खिचड़ा मैं तोड़ रहा हूँ। तो हमने लाए क्या लाए, सो दही बड़े। आज बहुत दिन बाद दही बड़े मिले हैं, दही बड़े लेके आए हैं, देखते हैं कैसा टेस्ट है, है कि नहीं। दही है ना तीन, और लाओ दो नींबू। तो हम लोग जा रहे हैं चलो इफ्तारी लाने के लिए। हाँ चलेगा, हमारे मुँह में रख दो। चलो तो गाइस आ जाइए दसवीं इफ्तारी तैयारी करने के लिए। इफ्तार गाइस, गाइस अब मेरे को भी लगता है गाइस गाइस खाना पड़ेगा व्यू के लिए। फाइनली हमारी इफ्तारी तैयारी हो चुकी है, खाली खजूर भूल गया हूँ, वो लेके आता हूँ। आसिफा कुरान पढ़ रहे, आसिफा चलो आ जाइए गाइस, दसवीं सहरी इफ्तारी 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 हाँ सहरी नहीं चार। कैसा बोल रहे अब्बा, मैं वीडियो सही में बना रही हूँ। सही में हो गई तारी। चलो चलिए गाइस, हो गई हमारी तारी, निकल रहे हमारे काम से, फटाफट जाते हैं आते हैं। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही ना मस्जिद, अच्छी से सजी हुई एकदम मस्त। तो खैर फाइनली हम लोग निकल गए अभी, अब जा रहे हैं। देखो थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि जानू जी को टाइम नहीं था व्लॉग एडिटिंग का, अभी किए तो और टाइम हो गया निकलने में, भी ट्रैफिक मिलेगी अलग, देखते हैं अब अल्लाह मालिक कब पहुंचते हैं, क्या मिलता है क्या नहीं, पर कुछ ना कुछ तो ज़रूर इंशाल्लाह लेकर आएंगे, है ना। कि मार्केट जुमेरात की ख़त्म हो जाएगी जो है ना, अभी क्या। अच्छा हाँ, अभी तो रमज़ान चालू है तो रोज़ा खुलने के बाद लोग ज़्यादा आते हैं, नहीं तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। अरे वाह क्या बैग्स है, अंधेरे में शायद आप लोगों को थोड़े कम नज़र आए चीज़ें, बट अच्छी चीज़ें हैं। आज जुमेरात मार्केट में रमज़ान आने वाला है, रमज़ान ईद आने वाली है, अभी नज़दीक है रमज़ान चल रहा है, तो पब्लिक चीज़ें खरीदेगी ही और लोग मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि मैं व्लॉग बना रही हूँ। यहाँ मैं क्या दिखा रही हूँ, औरतें तो टूटी पड़ी है बैग्स पे, बोले बैग्स मिल रहा है सस्ते में, ले लो ले लो, लूट लो लूट लो, हमें भी जाने की जगह दो, 250 200 ले लो। अरे ओ माय गॉड, अभी तो शादी नहीं है, शादी होएगी बाद में रमजान बाद। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं, इधर वापस से वही खाओ गली भूखे लोग की गली, भूखी गली हाँ। और यहाँ पे मस्त आपको भेजा देखने मिलेगा, जिंदा भेजा, गुर्दा भी है भेजा भी है, आरती पाल को ऊपर नहीं भेजा पर भेजे में भेजा नहीं भेजा है कि नहीं। सफीक को मेरे साथ भेजा इसलिए मेरे भेजे में भेजा नहीं भेजा। ओहो यहाँ पे जब मस्त सजा हुआ है, पीछे से लोग दिल्ली में जा रहे घूमने के लिए, चलो क्या हुआ चलते रहो। लाल लाल लेग पीस है, तंदूरी है, लाल लाल बॉडी है, देखो यहाँ पे सूप बहुत महंगा है, 350 रुपये का सूप, 200 रुपये का सूप। हमारे पास बच्चों के भी वैरायटीज हैं, आप लोगों को मिल जाएंगे, बहुत प्यारे प्यारे और बहुत ही प्यारे प्यारे, ये न्यू आया हुआ है अभी, जो मटेरियल आप लोग देख रहे हो चीज भी बहुत अच्छी है, बच्चों को इसमें ज्यादा गर्म वगैरह भी नहीं होगा और इसमें आपको और भी बहुत सारे कलर्स वगैरह मिल जाएंगे अवेलेबल। तो जैसा भी है फटाफट आईडी पे मैसेज करो, अगर बच्चों का चाहिए तो बताओ, हम लोग बच्चों का चाहिए तो जरूर बताओ, तो हम आप लोगों को जरूर देंगे। हाय बोलो, हाय, माशाल्लाह हम लोग निकल चुके हैं। हाँ ये देखो मस्त, और बहुत गर्दी पीछे भी, देखो पीछे बहुत गर्दी है ना, बहुत ज़्यादा गर्दी। गाइस यार हम आ चुके हैं घर, बहुत हालत ख़राब हो गई, आए अब्बा यहीं थे तो
तब मैं हम लोग ने अब्बा के खिचड़ा सूप सब लाए, खाए पिए, हम लोग खाए पिए, अब्बा फिर गए घर पे और हम बैठ चुके हैं हमारा काम करने। ये देखो माशाल्लाह हमने व्लॉग्स डाला। एक्चुअली फ़ोन ना वहाँ फोन ना फोन आए क्या बोलूँ फोन तो फ़ोन आए माशाल्लाह। मुझे बंदी पहले दिन एक्चुअली वो बंदी थी नहीं, फ़ोन रख के घर कहीं गई थी, बोली भाई इतना फ़ोन आया माँ कसम तू क्या बोलूँ माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। हाँ तो यार मज़ा आ गया यार क्या बोलूँ। और उमेर फ़ोन उठाया क्योंकि वो फ़ोन लेके चले गए यहाँ पे, क्योंकि वो कहीं जाने वाला था, उनको कहीं उनको जाना था, तो बोले आज आपके पास ही रखो फ़ोन मैं कल ले लूँगी। और उमेर उठाया फ़ोन परेशान हो गया, अब्बा बोलते इतना फ़ोन आ रहा है माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया यार। और अभी भी हम लोग का देखो काम चालू है, रात के बज रहे हैं, देखो कितना बज रहा है दिखाता हूँ गाइस कितना बज रहा है आसिफा देखो। और यहाँ देखो हालत बहुत खराब है, और अभी देखो चालू ही है, सबको देने के लिए सबका मैसेज आया है किसको क्या क्या चाहिए वही सब निकाल रहे हैं, पड़ा हुआ रहेगी नहीं, अलग अलग कर दे रही है, अलग अलग कर दो सबको एक थैली में एक एक माल कर दो कि नहीं। यहाँ देखो गाइस यहाँ देखिए मैडम इच्छा थक ओके हैं, हम रोटी बनाने जा रही है। एक्चुअली मैं बोला इसको मत बनाओ, मैं लेके आ जाता बाहर से, तो बोलते नहीं बाहर की रोटी खाएंगे नहीं, तुम नहीं खा पाते, तुम्हारे तुमको नहीं होता खाने, तो मेरे लिए बना रही है रोटी, थक गई इतना हालत ख़राब है फिर भी रोटी बना रहे हैं। और एक तो हम लोग सोए भी नहीं है एक्चुअली, फजर में नमाज बाद सोए, बज सोते सोते हम लोग बज गया 7:15 है ना, सो पौने 7 बज गया सोते सोते। मैं क्या हुआ मैं 2 दिन बीच में कुरान नहीं पढ़ी, हाँ तो मेरा 2 पारा रह गया था, तो कल मैंने 9वां भी खत्म किया और मैंने 10वां भी खत्म किया। तो और इसको मैं बोला भी काम करो, और हम लोग सोए भी नहीं कि फजर में जो सोए हैं 7 बजे के आसपास, और हम लोग की आँख खुल गई 10 बजे पानी के लिए, क्योंकि पानी के लिए बहुत मच है। और आज ही नंबर था ना अपना, आज पानी भी और पानी भी नहीं मिल रहा, प्रॉपर पानी नहीं आ रहा है, पता नहीं बीएमसी वाले क्या हो गया, खाली हमारी गली में पानी नहीं दे रहा है बीएमसी वाले। भाई ऐसा मत करो यार, हमारा 6 घर है, हम लोग को पानी भरना रहता है, 6 रूम है यहाँ पर, हम लोग को मिलता ही नहीं पानी, टाँकी देखो आधी भरी है और अंदर बाल्टी तो सब खाली है, क्योंकि और ऊपर एक दो लोग को दे नहीं पाया मैं पानी, क्योंकि पानी का बहुत तकलीफ़ हो रहा है ना। अरे देखो और ये थक हार के रोटी बना रही है, चलो फिर मिलते हैं, क्या बोलते हैं हम औरतों का काम है। हाँ मानना पड़ेगा भाई, इतना थक के आने वाला बाइक पे, मेरे तो नस चढ़ गई दोनों पैर में बाइक चलाते चलाते, और सुन हो गया एकदम, क्या बोलूँ सुन हो गया, एकदम सुन हो गया मेरा तो, नस चढ़ जाती है वही। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, प्यार सपोर्ट बनाए रखें और अल्लाह कामयाब करे और बुरी नज़र से बचाए, बुरी नज़र बहुत डेंजर होती है जो इंसान, हाँ हमें ज़्यादा लगती है, तो हमें मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला है कि भाई आप हर चीज़ें मत दिखाओ, नहीं तो इंसान को एक बुरी नज़र से, बुरी नज़र मतलब पूरी ज़िंदगी वो कर देती है, ऐसा है ऐसा, मतलब ठीक है ज़रूर बात सही बात बोले उन्होंने, तो मैं बोला ठीक है कोशिश करेंगे कि हम लोग आपको कुछ चीज़ें ना दिखाएं है कि नहीं, क्या बोलते नहीं दिखाएंगे सब दिखाएंगे आप लोग, पर देखते साथ ही दुआ कर देना और माशाल्लाह बोलना है कि नहीं। और जो बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला वो बुरी नज़र वाले, अरे वो डायलॉग है ना वाला, जैसे मस्ती कर रहा हूँ गाइस, जैसे पार्ट ऑफ द जोक, ओके जस्ट जोकिंग। तो चलिए गाइस मिलते हैं, प्यार सपोर्ट बना रखें, अल्लाह हाफिज़ है, मिलना हमको वापस है, चिंगम खाओ चबा के, यूट्यूब चलाओ दबा के, मिलते हैं शहरी में और हालत ख़राब है ना, बाय बाय। और मेरे दोस्त सो रहे हैं, सो गया चलो।